परसों अहमदाबाद स्टेडियम में हमारे खिलाड़ियों और इंडियन फैंस ने पाकिस्तान टीम को ऐसा धोया कि उनकी औलादों का, उनकी नाजायज औलादों का रोना धोना अभी तक बंद नहीं हुआ है। कल पूरा ही दिन सॉरी पाकिस्तान ट्रेंड करता रहा, शाम तक सॉरी रिजवान भी ट्रेंड करने लगा और रात होते होते तो ये भी कहा जाने लगा कि गुजरात डजंट रिप्रेजेंट इंडिया। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? अब क्योंकि मोदी राज में खुलकर तो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ज्यादातर लिब्रांडू कह रहे थे कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को अलग अलग रखना चाहिए। ये खेल भावना के खिलाफ था और बेचारे, जी हाँ बेचारे रिजवान के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है इंडियन फैंस ने। खेल भावना, बेचारा रिजवान और इनके सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, हर किसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। खेल भावनाओं और बेचारे रिजवान पर भी हम जाएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं हमारी इंटॉलरेंस पर। परसों पाकिस्तान की पिलाई के बाद कल अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच था। पूरा स्टेडियम अफगानिस्तान को और खासकर राशिद खान को चीयर कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। यहाँ ध्यान देना कि इनकी पूरी ही टीम, अफगानिस्तान की पूरी ही टीम मुसलमानों की है, उसके बाद भी हम उनके साथ थे। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि देखो बेटा, अगर खेलोगे तो खेलेंगे, लेकिन अगर होशियारी दिखाओगे तो पेलेंगे। पाकिस्तान पर भी जाएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं लिब्रांडो के चहेते बेचारे रिजवान पर। रिजवान इतना बेचारा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट तो इसको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है और ये बेचारा मजबूरी में खेल रहा है। असली शौक तो इसका मौलानाबाजी करना है। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, वो है हार्डवर्क, मेहनत है बस। जो अल्लाह की डिमांड है मुझसे, मैं उसको जानता हूँ कि अल्लाह पाक मुझसे, क्योंकि जो डिमांड अल्लाह पाक का मुझसे है, क्योंकि मैं ये समझू कि ऐसे मुसलमान के अल्लाह पाक मेरा लेते ही तो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन है। वो इंडिया के विराट कोहली का भी है, वो जो रूट का भी है, वो स्टीव स्मिथ का भी, वो किसी का भी है। मैं इन चीजें को बिलीव करता हूँ। जो अल्लाह की डिमांड है वो आपसे मुख्तलिफ चीज है, वो मेहनत है, वो बहादुरी है, और फिर एक गौर फिक्र एग्जीक्यूशन है जो सही टाइम पे राइट टाइम पे आप करें, बाकी जो अल्लाह पे छोड़ता हूँ। ये बंदा इतना बेचारा है कि मैच के दौरान ही 30 सेकंड की इस क्लिप में इस बंदे ने कितनी बार अल्लाह बोला गया है, अगर इससे भी पूछा जाए तो बता नहीं पाएगा। ये बंदा इतना बेचारा है, इतना मासूम है कि इसे ये तक नहीं पता कि पड़ोस के होटल में ये कमरा लेकर भी शांति से नमाज पढ़ सकता है, और मजबूरन अपनी गाड़ी बही बीच सड़क पर रोक कर साइड में जाकर नमाज पढ़ रहा है। बात समझो, कुछ लिब्रांडू और ज्यादातर सो कॉल्ड क्रिकेट लवर्स गेम और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखने की बात करते हैं, लेकिन 5 दिन पहले ही ये बंदा अपनी जीत को गाजा के लोगों को समर्पित कर रहा था। उस गाजा के लिए जिसके आतंकी संगठन हमस ने इसराइल पर आतंकी हमला किया हुआ है, जो कि आजकल इसराइल और पैलेस्टीन वॉर के लिए पॉपुलर है। तो ये पाकिस्तानी मौलाना कम क्रिकेटर कुछ और हो या ना हो, लेकिन मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हर जगह ये अपना मजहब घुसेड़ेगा, हर जगह कट्टरपंथी घुसेड़ेगा, तो इसे फेस करने को भी वही मिलेगा। और अब अगर पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान की बात करें तो इसको तो यहाँ बुलाया ही नहीं जाना चाहिए था। और खेल नजरिए से भी अगर देखा जाए तो इसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चेयरमैन हमको दुश्मन मुल्क मानता है। हमारे जितने प्लेयर्स हैं, ये मोरल इनका अप होना चाहिए जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाए। इसी पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स ने, इसी पाकिस्तान की अथॉरिटी ने रिजवान को चेयर किया था जब उसने हमारे हारने पर स्टेडियम के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ी थी। जो रिजवान ने की, कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वॉज रियली something very very special for. आज पाकिस्तान की टीम भले ही रो रही हो खराब व्यवहार के लिए, गलत नारों के लिए या फिर राजनीति के लिए, लेकिन इसी पाकिस्तान टीम ने अपने स्टेडियम में हमारे राम मंदिर के खिलाफ पोस्टर लगवा दिए थे और यही पाकिस्तान तब
चुप था। यही वो पाकिस्तान है जिसने अपने आप को हाता हुआ देखकर हमारी टीम के ऊपर बोतलें तक फेंकवा दी थी। और जहां तक वो बाबर आजम के ऊपर बू बू करने वाली चीज थी, बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान का क्राउड ही इस तरह का है। अगर पाकिस्तान में भी मैचेस होते थे तो मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं एक टेस्ट मैच में गया था इंडिया पाकिस्तान की, तो उसके अंदर जब इरफान पठान ने हैट्रिक मारी और पाकिस्तान ने जब ऑल टीम आउट कर दी उनकी, तो पाकिस्तानी कुछ फैंस थे, आई डोंट नो कहां से आए थे, उन्होंने बोतलें फेंकना शुरू कर दी थी पूरे ग्राउंड के अंदर। अपने इंक्लोजर से जितना दूर तक वो बॉटल्स फेंक सकते थे पानी की, वो फेंकी और सैकड़ों बोतलों की भरमार हो गई थी। इस तरह की सिचुएशन होती है। पाकिस्तान की टीम हो या फिर मुल्क, लात खाने के लायक है, लेकिन अगर इनको खाने को भरपेट खाना मिल रहा है, इसी में इनको खुश रहना चाहिए। बाकी देखो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम अगर सोचो कि हर जगह तुमको हैदराबाद जैसी ऑडियंस मिल जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।